गुवाहाटी में जगह जगह से देश को दुनिया का नंबर वन देश ने की इच्छा लेकर पहुंचे हुए आम आदमी पार्टी के हेड की हड्डी कार्यकर्ता पदाधिकारी नॉर्थ ईस्ट की हमारी पूरी टीम असम की टीम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड नेशनल कन्वेनर ऑफ आम आदमी पार्टी थैंक यू आसाम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं आपने इतना प्यार
इतने मान इतने सम्मान के साथ मुझे भगवंत मान साहब को आम आदमी पार्टी के लोगों को आसाम में बुलाया। 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी, दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, एक साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में। हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। अभी आज मेरे को आसाम आना था, 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर, 2 दिन से धमकी दे रहे हैं केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूं, क्यों पकड़वाओगे मुझे। मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूं, आप आसाम के मुख्यमंत्री तो बन गए, आसाम की संस्कृति नहीं आई आपको। आसाम के लोग बहुत अच्छे हैं, आसाम के लोग बहुत प्यारे हैं, आसाम के लोग अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, आसाम के लोग अतिथि आता है तो अपने घर में जाके खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आदर करते हैं। आसाम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। तो मैं हेमंत बाबू से निवेदन करता हूं, आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी आसाम की संस्कृति सीख लीजिए आप। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा, मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए हैं।